नोट्स एकदम सीक्वेंस में दे रखे हैं, तो आप सीक्वेंस में इस प्रोसेस को पूरा पढ़ सकते हो, सारे नोट्स दे रखे हैं, तो ध्यान से यहाँ सुन लेना, नोट्स बाद में बन जाएंगे, ठीक है? क्लास के बाद लेकिन हर टॉपिक का नोट बना लेना, अदरवाइज ये लास्ट में बना नहीं पाओगे, ओके? कल के नोट बना लिए थे? चलो, तुम्हारा मेन टारगेट क्या है? क्यों पढ़ रहे हो भाई, तू आते हो क्लास में? नीड प्रेपरेशन की प्रिपरेशन, राइट? सो बीच बीच में जब भूल जाते हो तो याद कर लिया करो मेन टारगेट क्या है, ओके? याद था, मेरे को लगा चैप्टर पूछ रहा। कोई ना, जब भी बीच बीच में भूल जाते हो, ऑफ ट्रैक हो जाते हो, तो जस्ट रिमेम्बर आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट? इफ यू रियली वांट कि MBBS में सीट मिले तो 600+ मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर आप दूसरे मेडिकल कॉलेजेस जो दूसरे कोर्सेज में मेडिकल में देख रहे हो, तो आपको तब भी 350+ मार्क्स चाहिए चाहिए, तब जाके कहीं चांस होगा, राइट? और अकेली बायोलॉजी कितने मार्क्स की आती है? 360 तो सोचो कि अकेली 360 बायोलॉजी भी आपको कितना अच्छे से स्कोर करा सकती है ना, तो इसलिए अगर इसमें ही अच्छा स्कोर आ गया तो काफी सारा आपको मार्जिन मिल जाता है, राइट? ये रहे मैम। दैट इन माइंड। अब बताओ, आपने सुना है इनके बारे में, डॉक्टर आनंदी बाई जोशी? ये मैं फर्स्ट रहे फीमेल मैम डॉक्टर सुना थी। यस, फाइनली किसी को पता है, शाबाश। यस मैम, पढ़ा है, इनके स्कूल में बताया था, ये फर्स्ट फीमेल डॉक्टर ऑफ इंडिया थी। या फर्स्ट इंडियन फीमेल डॉक्टर। मैम इनका शायद एक चैप्टर भी था बुक में। अच्छा, सो आई वॉलंटियर माई सेल्फ एज वन। तो उस टाइम पे फीमेल डॉक्टर्स नहीं होती थी, मेडिकल प्रोफेशन में मेल ही होते थे, तो पहली इंडियन फीमेल डॉक्टर थी, इन्होंने इतनी एजुकेशन ली थी, क्योंकि उस टाइम पे फीमेल इतनी कौन एजुकेटेड सी होती नहीं बात थी। है? 18th की बात है, 18th सेंचुरी की, तो उस टाइम पे इतनी फीमेल डॉक्टर्स हो, मतलब फीमेल डॉक्टर कह रही हूँ, फीमेल इतनी एजुकेशन में जाते ही नहीं थे, मोस्टली हाउस होल्ड तक ही रहते, तो ये पहली थी। दैट इज समथिंग वेरी इंस्पायरिंग एंड इम्पोर्टेंट। तो कभी ऐसे लगेगा ना ऑफ ट्रैक जा रहे हो, तो ऐसी चीजें सर्च किया करो, ठीक है? इससे थोड़ा आपको समझ में आता है कि देखो, जब ये फीमेल डॉक्टर थी, पहली बार बनी होंगी, तो कितने सारे फीमेल्स को मिला होगा ना मोटिवेशन कि आप इस फील्ड में और स्टडी करो, है ना? सबके लिए ये ऐसा नहीं है कि लड़के सोच रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं। द पॉइंट इज, अगर आप जो जिस प्रोफेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट और नोट वर्दी प्रोफेशन है, सो उसके लिए आपको थोड़ा सा सिंसियरिटी से प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना? और सिंसियरिटी में ज्यादा नहीं लगता, इतना लगता है। आप कितने आवर्स की क्लास होती है रोज यहाँ पर? 2 आवर्स, टू टू आवर्स आवर्स मैक्सिमम। है ना, मैक्सिमम 2 आवर्स ही होती है, कभी कभार एक्स्ट्रा क्लास होती है, आई थिंक। मैंने तो कभी भी नहीं रखी, 2 आवर्स की क्लास होती है सिर्फ, यस मैम। अगर आप उसमें रेगुलर रहते हो, राइट? आप रेगुलर रहते हो, कभी कभार क्लास मिस हो जाती है, अंडरस्टैंड, लेकिन मोस्टली रेगुलर हो, और अगर आप नोट्स बना रहे हो, तो ये बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा, समझ आई? स्कूल के साथ ही, पता है क्यों? क्योंकि आपके पास एक एडवांटेज है, स्कूल के साथ आप 12th प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपकी 12th स्ट्रांग रहती है, आपको 11th में और मेहनत करनी होती है, तो ये आपके पास एक एडवांटेज होती है। जैसे 12th खत्म होगा, हम 11th प्रिपेयर स्टार्ट कर देंगे, राइट? तो आपको ये तीनों चीजें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, ओके? मैम वैसे भी मैम स्कूल और उसका सिलेबस सेम ही है, वो साथ साथ जब वही थ्योरी याद होती है, तो जब लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस याद होंगे तो ऑब्जेक्टिव तो बीच में से ही हो जाएंगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, होंगे नहीं, करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, होंगे यस, नहीं। जब वो पॉइंट्स बीच में आ जाते हैं ना, उनसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, वो तो प्रैक्टिस से होगा। और होमवर्क करके आना पड़ेगा, क्योंकि होमवर्क के थ्रू हम थोड़े थोड़े टॉपिक ना कवर कर लेते हैं। जैसे प्रीवियस होमवर्क से तुम 11th का एक टॉपिक कवर कर लोगे जो 4 मार्क का आता है, तो होमवर्क अगर साथ साथ करोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो मर्जी है। तो सिर्फ इतना सा करने से अगर नीट क्रैक हो रहा है, तो आई थिंक दैट्स अ गुड डील। 2 घंटे की ट्यूशन कुछ भी नहीं होती यार, लेकिन उस 2 घंटे में काफी कुछ कवर हो जाता है ना। मैम 3 घंटे की, 3 घंटे की होती है तुम्हारी? मैं मेरी स्पेशली। हाँ, तो तुम्हारी मैथ की भी होती है ना, बाकियों की बात कर रही हूँ मैं, यस नॉर्मली मैम, 2 घंटे की, इसकी देखो 3 की होती है, वो फिर भी रोज आता है। आई डोंट थिंक 7 वीक ने आज तक सिर्फ एक ही छुट्टी करी है ना। मैंने एक भी यस नहीं मैम। की। हाँ, 7 वीक नहीं की करी थी तूने, एक नहीं की। हाँ आई नो, है ना? सो ट्राई दिस, वर्क कर जाएगा। अभी आपकी छुट्टियां हैं, तो अपने रिवाइज करते रहोगे तो बेहतर रहेगा। चलो आओ भाई,
मॉरल लेक्चरिंग होगी, चलो बात करते हैं। मुझे बताओ वो कौन थे जिसने डिस्कवर किया था डीएनए का स्ट्रक्चर? क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। वाटसन एंड क्रिक, शाबाश। कौन सी ईयर में? 1928 नहीं था, 1935 अपने हिसाब से लगा ले कुछ भी। 1953 वाज द डेट, ठीक है, 50s आ गया था। तो आप 1928 की बात कर रहे हो, उस टाइमिंग पे हम क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए या आरएनए। उसके पास 1940s के टाइम पे तो वो आए थे चार्गफ, उन्होंने अपना चार्गफ लॉ दिया था। उसके बाद 1950 के करीब वाटसन एंड क्रिक ने अपना एक्सपेरिमेंट, अपना डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। ये डेट के साथ आता है, ये आना चाहिए, ठीक है हरीश, हर्ष। डेट के बिना का मतलब नहीं है, राइट। लेकिन तो पहला है जिसने मुझे पूरा नाम बोला, वो इंटरेस्टिंग था। जनरली सब वॉटसन एंड क्रिक बोल रहे हैं, इसने पूरा नाम बोला, गुड। सो इन्होंने जब ये दिया ना कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो इनको इतना आइडिया था कि अब लोग पूछेंगे कि डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है। तो इसी चीज पे ना साथ साथ में क्रिक ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। तो क्रिक ने दिया है जो अगली चीज मैं बताने वाली, वॉटसन ने नहीं। तो क्रिक ने एक फिनोमेना दिया जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा आपको ये बताता है कि डीएनए के साथ क्या होता है। तो डीएनए अपनी कॉपी खुद बना लेता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए अपने एंजाइम्स वगैरह यूज करके एमआरएनए भी बनाता है, जिसको हम नॉर्मली आरएनए लिख देते हैं, ये तो यहाँ पे एमआरएनए भी लिखा सकता है। तो डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से फाइनली प्रोटीन बनता है, एंड इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं ट्रांसलेशन। बार बार ये पिक्चर, ये जो है ना सीक्वेंस, ये लेबल होने के लिए आती है बार बार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए से प्रोटीन बनता है, दैट इज ट्रांसलेशन। और इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा गिवन बाय क्रिक, क्लियर। अब देखो कुछ वायरसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एचआईवी सुना होगा आपने, जो एड्स कॉज करता है। ये वो वायरस है, और ये उसका प्रोटीन कोट है। आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ोगे तो मैं उसमें इंफेसाइज नहीं कर रही, पर इसके सेंटर में ना दो आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं इसके पास दो, ठीक है। तो एचआईवी है और ये एक ह्यूमन सेल है, तो ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करेगा कि नेचर है, इसके अंदर चला गया, ये अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर भेजेगा। कल ही हमने एक्सपेरिमेंट से देखा था ना, कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें बैक्टीरियोफेज यूज हुआ था, तो ये वायरस का आरएनए अंदर चला गया। लेकिन ह्यूमन सेल में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए। तो ये आरएनए चाहता है कि मैं डीएनए को कंट्रोल कर लूं, फिर क्या करता है, आरएनए एंजाइम्स की मदद से डीएनए में चेंज हो जाता है, और फिर पूरे सेल को कंट्रोल कर लेता है। तो प्रोसेस क्या हुआ, आरएनए चेंजेस इनटू डीएनए, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हम बुलाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आपको जनरली देखने को मिलती है किसमें, इन सम वायरसेस। क्लियर? जिसमें डीएनए होगा उसमें नहीं मिलेगी ना, सारे वायरसेस में आरएनए भी तो नहीं होता ना। यस मैम। चलो डन। तो ये था सेंट्रल डोगमा का पार्ट, चलो अब आगे चलते हैं। अब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के लिए कुछ चीजें भी तो चाहिए होगी ना, तो उन चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो इम्पोर्टेंट है ये, पहला है डीएनए ए प्रोटीन, इसी को हेलिकेज बोलते हैं। तो डीएनए इज ए हेलिकल स्ट्रक्चर ना, तो ये कैसे एंजाइम है जो हेलिकल स्ट्रक्चर को खोलेगा, ओपन करेगा। उसके बाद आता है एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, वैसे आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है लेकिन कहीं कहीं आपको मेंशन मिल जाएगा। उसके बाद टोपोआइसोमेरेसिस होगा, यहाँ पर एक करेक्शन है, दिस इज ए आरएनए प्राइमेज एंड आरएनए प्राइमर। देखो अगर मैंने किसी वर्ड के आगे एएसई लिखा है, दैट मींस ये चीज क्या है,
एंजाइम, एंजाइम, वेरी गुड, ये एंजाइम है। तो ये एंजाइम करता है सिंथेसाइज एक छोटे से स्ट्रैंड की, ऐसे छोटे से स्ट्रैंड की, न्यूक्लियोटाइड का छोटा सा स्ट्रैंड है, और इस स्ट्रैंड को हम बुलाते हैं आरएनए प्राइमर। अभी सीखेंगे हम। अब जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, तो वो है डीएनए पॉलीमरेज 3। याद रखना, 3 वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 4, 5 कुछ नहीं, 3 वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? प्रोसेस में देखेंगे। डीएनए पॉलीमरेज 1 भी यूज होता है डीएनए रेप्लिकेशन में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? डीएनए पॉलीमरेज 3। बोलना नहीं। गुड गुड गुड। अब एक आता है डीएनए लाइगेज, जिसको हम ग्लू भी बना रहे हैं। ग्लू समझते हो ना, फेविकोल वगैरह यूज करते हो चिपकाने के लिए। और बहुत सारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट भी यूज होते हैं। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर पेंटोज प्लस फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, साइड में टाइड में होता है। तो ये न्यूक्लियोसाइड है और इसके साथ बहुत सारे ट्राइफॉस्फेट के ग्रुप ऐड होते हैं। तो कार्बन नंबर 5 है ना, फॉस्फेट ना एक अटैच नहीं होता, एक्चुअली 3 अटैच होते थे, लेकिन ये स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये 2 फॉस्फेट टूट जाते हैं और बस एक रह जाता है। तो एक प्रोसेस है एनर्जी का जो हम बाद में करेंगे, अभी के लिए इतना याद रखो कि ये सारी चीजें अवेलेबल है। ओके, धीरे धीरे याद होगी, ऐसे याद होगी भी नहीं, तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फिर सीखते हैं। किसी को अभी तक कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। अच्छा, तुमने स्कूल में पढ़ा है? मैम यस। नो मैम, अभी नहीं पहुंचे। अभी नहीं पहुंचे? यस मैम, पहुंच गए हैं। टेस्ट वगैरह कब हो रहे हैं? मैम होल ये। इसके अलावा बाकी बच्चे? मैं अभी नहीं हुआ एक भी बार। अभी नहीं हो गए? मैम हो गए। चलो, अगर क्लास स्ट्रेस में हेल्प चाहिए ना तो मेरे को पहले मैसेज कर देना, ठीक है? यो यो मैम। अब जीरोक्स क्या होता है पता है? कॉपी को बोलते हैं। हाँ, फोटोकॉपी। तो बता, अभी बाप बता, अगर 2 पेपर एक साथ चिपके हुए हैं और इनकी फोटोकॉपी करनी है हमें, सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी? दोनों को अलग करेंगे। दोनों को अलग करना पड़ेगा। दोनों को अलग अलग करना है ना? दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। जब हम दोनों को अलग अलग करेंगे फिर ही उनके कॉम्प्लीमेंट्री पेज बना पाएंगे ना हम लोग, प्रिंट निकाल पाएंगे। सही बात है? यो यो मैम। है ना? यो यो। दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। इतनी बात तो हमें क्लियर है? यो यो मैम। चलो, तो स्टेप वाइज यहाँ पे सब कुछ लिखा है, परेशान मत होना कि कुछ मिस हो गया मेरा, सब कुछ लिखा लिटरली। देखो सारे स्टेप मेंशन है, कोई स्टेप मिस नहीं होगा तुम्हारा, 9th स्टेप। और ये तो इसलिए लिखने के लिए भागना मत, समझने के लिए कोशिश करना, ठीक है? तो यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो कहाँ पड़ा होता है सेल के अंदर? न्यूक्लियस। तो डीएनए की रेप्लिकेशन कहाँ हो रही होगी? न्यूक्लियस के अंदर। ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकेशंस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने सुना होगा लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, प्लांट्स में पढ़ा था कभी, वो भी लोकेशन पे क्वेश्चन आ रहा है। प्रोसेस नहीं पूछते, लोकेशन पूछते हैं। अच्छा बाप बताओ, जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है सेल साइकिल के कौन से फेज में होती है? एस फेज में। एस फेज। किसने डबल जवाब दिया था? कौशल्या ने दिया था। हाँ, शाबाश, बहुत सही। तो एस फेज में होती है, जिसे हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, राइट? ये दूसरा क्वेश्चन नीट का सेल के साथ कंबाइन करके आ गया। अब देखो सबसे पहले क्या होगा कि ये रहा हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऐसा है ना, हम इसको हॉरिजॉन्टली बनाते हैं ताकि इजी रहे। और तुमको पता है ना दोनों स्ट्रैंड की अपनी अपनी पोलैरिटी होती है, अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा वाला स्ट्रैंड क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। शाबाश, अब पढ़ते हैं। फॉर डीएनए रेप्लिकेशन टू स्टार्ट, इसको स्टार्ट होना है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड हैव टू बी सेपरेट, इसको सेपरेट करना पड़ेगा ताकि इनसे कॉपी हो पाए। मतलब ये दोनों स्ट्रैंड है ना, अरे कैमरा नहीं चल रहा? नो मैम। देखो ये दोनों स्ट्रैंड है ना, तो करना क्या है डीएनए रेप्लिकेशन में, वैसे इसकी मदद से एक स्ट्रैंड बनाना है और इसकी मदद से एक स्ट्रैंड बनाना है, तो इन दोनों को अलग करना पड़ेगा, ठीक है? अब ये अलग होंगे कहाँ पे, तो मुझे बताओ ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये एक दूसरे से किसके थ्रू जॉइंड है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, वेरी गुड, याद है तुम्हें,
हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भाई ब्रेक करने पड़ेंगे। अब सारे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके दोबारा ज्वाइन करने में तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसलिए क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन किसी एक पॉइंट पे स्टार्ट होती है, तो पूरे दोनों स्ट्रैंड अलग नहीं होते, बस किसी एक पॉइंट से अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर? यस मैम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी किसके बीच में है, दो स्ट्रैंड में क्या लगा हुआ है? नाइट्रोजनस बेसिस, एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो मुझे बताओ नाइट्रोजनस बेसिस में एक एडिनिन बॉन्ड करता थायमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, दोनों में से कौन सा पेयर है जिसको तोड़ना आसान होगा, एक दूसरे से अलग करना आसान? एडिनिन एंड थायमिन। क्यों? एम डबल बॉन्ड है इसके अंदर। हां राइट। तो क्या होता है रेप्लिकेशन स्टार्ट कहां से होती है, कि ये जो कॉइल डीएनए होता है हेलिकली कॉइल, देखो यहाँ पे रेपिटेशन आती है, हर किसी के डीएनए में आती है, जहाँ पे आपको ज्यादा एडिनिन और थायमिन मिलेंगे, और भी मिलेंगे ग्वानिन साइटोसिन, पर एडिनिन और थायमिन ज्यादा होंगे। तो जहाँ पे एडिनिन और थायमिन ज्यादा होंगे वहां पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो ऐसी जगह को हम क्या बुलाते हैं, ऐसी जगह को हम बुलाते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट वो जगह है जहां पर ज्यादा क्या है, एडिनिन एंड थायमिन। एडिनिन थायमिन, तो यहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। इतना क्लियर? तो देखो पोजीशन वेयर एडिनिन थायमिन इज फाउंड मोर, इट इज आल्सो कॉल्ड ओरी साइट। द डीएनए ए प्रोटीन, और इसी को हम कहते हैं हेलिकेस। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर दो एक साथ पेजेस जुड़े हैं तो उनको अलग कैसे करेंगे, उनको देखने से वो अलग हो जाएंगे कि हमें कुछ करना पड़ेगा? कैसे करोगे अलग? आपने क्वेश्चन क्या पूछा था कि दो पेजेस एक दूसरे से इकट्ठे ऐसे अटैच है, इसको अलग कैसे करेंगे, देख के अलग हो जाएंगे या कुछ करेंगे? हाथ से खींचेंगे, हाथ से खींचेंगे, राइट। तो वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डेड अटैच है दो दो डीएनए के स्ट्रैंड में, तो इनको अलग करने के लिए किसी को बाहर से आना पड़ेगा, जो बाहर से आके ने खींचता है, दैट इज हेलिकेस या डीएनए ए प्रोटीन। ठीक है, तो ये आता है ओरी की साइड पे अटैच होता है और इन दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से एक पॉइंट पे अलग कर देता है। क्लियर? तो देखो कैसा दिखेगा, इधर देखो मैं यहाँ हेलिकेस ले आती हूँ, जब हेलिकेस आ गया, दिस इज अ हेलिकेस, तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा, ध्यान से देखना, दिख रहे? सिर्फ एक पॉइंट पे खुला ना, ये बबल जैसा बन गया, इसे हम इसे बुलाते हैं रेप्लिकेशन बबल। और आसपास जो डीएनए है वो अभी भी कॉइल्ड है ना, ये बात याद रखिए, द वाइल द रेस्ट ऑफ द डीएनए विल स्टिल बी हेलिकली कॉइल्ड, सिर्फ एक साइड पे डीएनए ओपन हो जाएगा जिसको हम ओरी बुलाते हैं। क्लियर? यस मैम। मुझे चार्जिंग पे लगाना, जस्ट गिव मी वन मिनट। नहीं मैं उधर बैठ रही हूँ, उधर बैठ, मेरे पीठ में दर्द होता है वैसे। All right, भी आ जाओ, चलो जी, ओके चलो। सो माइक ऑन है, राइट। अब देखो यहां तक डन, तो ये और इसको मैं क्या बुलाती हूँ, इसे हम बुलाते हैं रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल, ओरी इस पूरे को बुलाते हैं जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट है, लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर को जो अब ये बबल जैसा बन गया, इसे रेप्लिकेशन बबल बुलाते हैं। और ये डीएनए ए प्रोटीन और इसी को हेलिकेस कहते हैं, ये ओपन हो गया। अब देखो जो नाइट्रोजनस बेसिस है, इनकी आदत है एक दूसरे से गले लगने की ना, तो ये चाहेंगे कि ये एक दूसरे के करीब आए, तो इनको रोकने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए किसी को आना पड़ेगा। तो सबसे पहले आया था हेलिकेस, राइट, सीक्वेंस में चल रहे ना हेलिकेस। अब आएगी सेकेंड चीज जिसका नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब देखो इसका नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, तो क्या लगता है ये जो प्रोटीन है ये कहाँ जाके बाइंड होते होंगे? एक स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंडेड
एक एक स्ट्रैंड पे जाके बाइंड कर जाते हैं. क्या चीजें बाइंड करती है? ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर. ठीक है, ये यहाँ बाइंड हो गए. देखो तो ये क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करते हैं. ओके, तो देखो ये बबल बन गया और दोनों स्ट्रैंड स्टेबलाइज भी हो गए. क्लियर? अब हमें क्या करना है, हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं? डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन है ना. तो अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, डीएनए को एक स्ट्रैंड यहाँ बनाना है इसे देखता हुआ, और एक स्ट्रैंड यहाँ पर बना देना है इसे देखता हुआ, नीचे वाले को रीड करता हुआ. सही है, ये दो चीजें होनी है. यस मैम. चलो अब करते हैं. तो जो नया अपने आप डेवलप हो जाएंगे, एंजाइम्स आएंगे. मैम एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. दोबारा बोल बेटा. मैम मैं तो स्टेप बता रही थी, शायद यही है. हाँ हाँ बोल बोल, कौन सा स्टेप है बोल. एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. हाँ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स जो टाइड में चेंज होगा और फिर वो एक्टिवेट हो जाएंगे. तो यहाँ पर वो तैयार है, वैसे तैयार बैठे हैं कि हमें जाके अटैच होना है. ठीक है, लेकिन देर इज अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोसेस करने के लिए जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री चेंज बनाएगा उसके लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज 3. तो ये है वो एंजाइम जिसने आके क्या करना है, इस सारे प्रोसेस को नई थ्रेड बनानी है, नई डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री थ्रेड बनानी. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एडेनिन के ऑपोजिट थायमिन लगा दिया तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गई. तो इसने आके काम करना है. लेकिन ये जो एंजाइम है ना, इसके अपने नखरे हैं. ठीक है, तो हमें ये जानना है कि इसके नखरे क्या है. आप ओके चले. आओ अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो स्ट्रैंड जिसको हमने रीड करना है और उसको रीड करके नया स्ट्रैंड बनाना है, तो जो स्ट्रैंड हमने रीड करना है उसको हम बुलाते हैं पेरेंट स्ट्रैंड, जो पहले से बना हुआ था. ठीक है, टेम्पलेट नहीं, वो ट्रांसक्रिप्शन में आता है. ठीक है, यहाँ पे चल रही है डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ टेम्पलेट नहीं बोलना है. समझ आई? जो पहले से बना हुआ है उसे हम बोलते हैं पेरेंट स्ट्रैंड, और जो नया बन के आएगा उसको हम बुलाएंगे न्यूली स्ट्रैंड, डॉटर स्ट्रैंड या न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड. राइट, क्लियर? चलो वोकैबुलरी तो क्लियर है, आगे चलते हैं. तो टू स्टेबलाइज द रेप्लिकेशन बबल, सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन आते हैं, सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन अटैच हो जाते हैं और रिकॉइलिंग से रोकते हैं, मतलब बबल बना रहता है. इतना हमने कर लिया. अब देखो आगे, देखो द डीएनए पॉलीमरेज 3 हैव टू कम. अब इसको आना है और न्यू डॉटर स्ट्रैंड बनाना है, पर इसकी अपनी कंडीशंस है, इसके अपने नखरे हैं. तो अब हम इसके नखरे पढ़ेंगे क्योंकि इस पे आता है क्वेश्चन. ओके, तो आपको दिख रहा है ये जो पिंक बालों वाला डूड है, दिस इज अवर डीएनए पॉलीमरेज. हाँ ठीक है, पॉलीमरेज की को पॉल 3 भी लिख लेते हैं, POL शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी. तो डीएनए पॉलीमरेज 3 की कुछ क्वालिटीज हैं और इसकी कुछ कमियां भी हैं. पहले क्वालिटीज पढ़ते हैं इसकी. यार यही क्यों है और कुछ क्यों नहीं? डीएनए पॉलीमरेज 3 बहुत ही हाईली एफिशिएंट है अपने काम में, मतलब बहुत बढ़िया डॉटर सेल्स बनाता है ये, बहुत बढ़िया डॉटर स्ट्रैंड बनाता है ये. प्रूफ रीडिंग भी कर सकता है. प्रूफ रीडिंग क्या होती है, जब आप स्कूल में पेपर करते हो तो पेपर सबमिट करने से पहले उसको एक बार रीड करते हो आंसर्स को. अगर नहीं करते हो तो करा करो, क्योंकि काफी सारी गलतियां निकल आती है. कभी कभी हम सही सोच रहे होते हैं, लिखते लिखते गलती कर देते हैं. इसको हम कहते हैं प्रूफ रीड करना, चेक करना कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है. तो डीएनए पॉलीमरेज 3 सिर्फ नया स्ट्रैंड नहीं बनाता, ये उसको रीड भी करता है बनाने के बाद कि कहीं. अब इससे क्या गलती हो सकती है, इससे ये गलती हो सकती है कि एडेनिन के जगह, एडेनिन के साथ थायमिन लगाने के जगह इसने ग्वानिन लगा दिया बाय चांस, तो म्यूटेशन हो जाती है ना. थायमिन के जगह इनके साथ इसने साइटोसिन लगा दिया. तो जब ये प्रूफ रीड करता है ना, ये उसको दोबारा चेक करता है कोई गलती तो नहीं है, और जैसे उसको गलती मिलती है क्या करता है, उस गलती का वो दोबारा रीड करना और एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब करेक्शन करना अपनी. ओके, सो देखो ये सिर्फ काम नहीं करता, उसको चेक भी कर लेता है, इतना एफिशिएंट है. पर इसकी कमी क्या है, इसको दो कंडीशन क्या चाहिए, ये तब आके नया स्ट्रैंड बनाएगा. पहली कंडीशन इसकी ये है, ये इसकी कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली कंडीशन है भाई साहब की, कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना,
ये इसकी कॉपी तब तक नहीं बनाएगा जब तक दोनों स्ट्रैंड अकेले अकेले ना हो जाए। तो हमने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला था कि हमने दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया था ना, बबल बना दिया था। तो इसकी जो पहली कंडीशन है दैट इट वर्क्स ओनली ऑन सिंगल स्ट्रैंड, वो तो हमने कंप्लीट कर दी ना। फिर भी ये पॉलीमराइजेशन करने के लिए आया नहीं, स्ट्रैंड बनाया नहीं, यानी कुछ रह गया। दूसरी कंडीशन हमने इसकी पूरी नहीं करी। ये कह रहा है कि मुझे सिंगल स्ट्रैंड तो चाहिए नया स्ट्रैंड बनाने के लिए, पर मेरी कंडीशन है कि पहले ना तुम सिंगल स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसके ऑपोजिट थोड़ा सा स्ट्रैंड बना दो, ठीक है, थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड अटैच करके रख दो, मैं फिर आऊंगा और फिर नया स्ट्रैंड आगे बनाऊंगा। तो ये ना प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता, इसको थोड़ा सा स्टार्टेड प्रोसेस चाहिए। समझ आई? सो इट नीड्स अ स्टार्टिंग डबल स्ट्रैंड टू स्टार्ट पॉलीमराइजेशन। तो स्टार्ट में इसको डबल स्ट्रैंड चाहिए, उसके बाद ही पॉलीमराइजेशन कर पाएगा। हाँ मोहित बोलो। मैम दोनों डायरेक्शन में उन्हें प्राइमरी ग्रोथ पड़ती है। यस दोनों में, ठीक है, डन, समझ आया? तो अगर अब हमें डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें कौन सा प्रोसेस करने की जरूरत है? मुझे मेरे को ना ये मेरे को ये नहीं चाहिए, डेफिनेशंस नहीं चाहिए और हेडिंग्स नहीं चाहिए, ये तो अपने पास रखो, ये स्कूल में लिख के आना, ये पेपर में लगाना। मेरे को बात करो नॉर्मल तरीके से, इंसान बात करता है जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं। तो मैं तुमसे नॉर्मली पूछ रही हूँ, मुझे नॉर्मल अपनी भाषा में बताओ। इंग्लिश में बोलना बोलो लेकिन बुकिश लैंग्वेज मत बोलो, मेरे को बहुत इरिटेशन होती है उससे, ठीक है? क्वेश्चन ये है बेटा कि अब हमारे पास कंडीशन ये है, सोचो सोचो सारे, ठीक है, आराम से सोचो। कंडीशन ये है कि डबल स्ट्रैंड है और एप्लीकेशन बबल बन गया, अलग अलग हो गया स्ट्रैंड, फिर भी पॉलीमरेज भाई आ नहीं रहा। तो पॉलीमरेज को लाने के लिए मुझे कौन सा स्टेप करना पड़ेगा, क्या करूं? आरएनए प्राइमर तो मैंने वैसे बोला नहीं था कुछ, क्या होता है आरएनए प्राइमर? डबल, ये दोनों बबल बन गए ना, ये बबल बन गया ना, मैंने बबल खोल के रखा है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये आए और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना दे, डॉटर स्ट्रैंड, है, रेप्लिकेशन हो जाए। इसके लिए तो वेरियस एंजाइम्स लगेंगे ना, फिर वेरियस एंजाइम लगेंगे लेकिन क्या करेंगे वो एंजाइम्स, ये तो पूछ रही हूँ मैम। वो एडिनिन थायमिन वगैरह को सभी न्यूक्लियोटाइड्स को इकट्ठा करेंगे, वो ठीक है, वो भी लग जाएंगे, लेकिन पॉलीमरेज तब आके वर्क करेगा, अभी उसकी एक कंडीशन पूरी नहीं हुई है। तो अब मैं क्या करूं इस रेप्लिकेशन बबल में सबसे पहले कि पॉलीमरेज आए, दूसरा स्ट्रैंड बनाना। बोल बोल बोल, दूसरा स्ट्रैंड क्या? दूसरा स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा पहले से। हाँ एग्जैक्टली, वो क्या चाहता है आरएनए चाहता है, डीएनए पॉलीमरेज चाहता है कि तुम छोटा सा डबल स्ट्रैंड बना दो। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, छोटा सा डबल स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा, उसके बाद पॉलीमरेज आके खुद ही डॉटर स्ट्रैंड बना देगा। समझ आई ये बात? क्यों जबरदस्ती आरएनए प्राइमेज प्राइमर वर्ड यूज कर रहे हो जब तुमको मीनिंग नहीं पता? सिंपली बोलो ना क्या करना है, सिंपली डबल स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट करना है थोड़ा सा, फिर प्राइमर आएगा, सॉरी फिर पॉलीमरेज आएगा। अब यही बात साइंटिफिकली समझेंगे कैसे, देखो स्टेप वाइज बना रही हूँ, ऐसे ही बना लेना, इजी हो जाएगा, ठीक है? अभी ये रहा। बाद में? अभी बनाए कि बाद में? बना ले ये वाला, तो कुछ चीजें साथ साथ करने से जल्दी याद होती है। बबल बन गया, अब एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है प्राइमेज। देखो छोटा सा डबल स्ट्रैंड बनाना था तो डीएनए के जितने एंजाइम होते मना कर देते हैं, कहते ये जो नखरे है ना पॉलीमरेज के हम नहीं उठाएंगे। तो जब कोई नखरे नहीं उठाता तब कौन आता है, आरएनए आता है। आरएनए कहता है कोई बात नहीं मैं मदद कर देता हूँ, तो आरएनए प्राइमेज आएगा। एज लिखा है दैट मींस इट्स एन एंजाइम, तो ये एंजाइम आएगा और ये क्या सिंथेसाइज करेगा, ये सिंथेसाइज करता है स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए स्ट्रैंड, छोटा सा आरएनए स्ट्रैंड बनाता है ये, डीएनए नहीं आरएनए स्ट्रैंड। तो स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए स्ट्रैंड तो बहुत लंबी स्टेटमेंट है, तो इसको एक नाम देते हैं, इसको हम बुलाते हैं प्राइमर, ठीक है? तो होगा कुछ नहीं, न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हुए हैं बट राइबोस शुगर वाले। तो देखो थोड़ा सा आरएनए का स्ट्रेच यहाँ आ गया, थोड़ा सा यहाँ पर आ गया,
अब एक बात समझना और मुझे खुद देख के बताना, सोच के बताना, कुछ भी मत बोलना। ये दो पेरेंट्स फ्रेंड है, इनके कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर लगा है, ठीक है? प्राइमर ने छोटा छोटा बन गया, प्राइमर का छोटा सा स्ट्रैंड बन गया। अगर यहाँ पर सीक्वेंस थी ए टी जी सी, ए टी सी, तो मुझे बताओ ए में सीक्वेंस क्या होगी और बी में सीक्वेंस क्या होगी, मुझे चैट में लिख के बताओ। ए की सीक्वेंस क्या होगी कॉम्प्लीमेंट्री और बी की क्या होगी, चैट में लिखना। देखो देखो यार, जब भी मैं कॉम्प्लीमेंट्री बोलती हूँ ना, उसका मतलब ये होता है कि उसका ऑपोजिट होगा। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया ना कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, तो अगर ये एडिनिन है ना, तो दूसरे में ना उसका ऑपोजिट क्या लगता है, वो ही लगेगा। थायमिन, अगर मैंने, अगर मैं डीएनए की बात कर रही हूँ, तो एडिनिन के ऑपोजिट थायमिन लगेगा, और अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बोला है ना, तो एडिनिन के ऑपोजिट यूरेसिल। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एम भेज दिया आपको? देख रही हूँ मैं, मेरे पास ही पड़ा फोन। तो देखो ये था छोटा सा आरएनए प्राइमर ना, यानी आरएनए का स्ट्रैंड है। तो बेटा अगर आरएनए का स्ट्रैंड है, तो आरएनए तो थायमिन लगा ही नहीं सकता। तो सीक्वेंस होगी हमारे पास एडिनिन के ऑपोजिट यूरेसिल, यहाँ पे होगा एडिनिन, यहाँ पे होगा साइटोसिन, यूरेसिल यूरेसिल एडिनिन एंड ग्वानिन। क्लियर सबको? तो जिन बच्चों ने भी टी लिखा है ना, तो टी की जगह यूरेसिल आ जाएगा, क्योंकि आरएनए प्राइमर आरएनए का स्ट्रैंड है, उसके बाद थायमिन नहीं होता। क्लियर? मैम अब छोटा सा जब ये स्ट्रैंड बन गया, तो अब आके तो लग जाएगा ना आरएनए पॉलीमरेज। यो मैम तो देख बेटा, अब क्या कंडीशन है, नंबर दे दूं, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, दिस इज नंबर 3। फोर्थ पिक्चर बना देते हैं हम लोग, हमें समझने के लिए। तो फोर्थ पिक्चर हमारी बहुत सिंपल है, तुम्हें ऑलरेडी आती है। ये रेप्लिकेशन बबल बनाया मैंने, देखो ये रेप्लिकेशन बबल है, और यहाँ पे ये ऐसे आपको दिखा रहे हैं डीएनए कॉइल्ड है। इसको स्टडी करना मुश्किल है, तो आप एनसीईआरटी में भी देखोगे वो क्या करता है, आधा रेप्लिकेशन बबल दिखाता है आपको। तो जब वो आधा रेप्लिकेशन बबल आपको दिखाएगा ना, तो अब हम इसको बुलाते हैं फॉक। फॉक ऐसे आवाज करने एक मटेरियल भी होता है, आपने शायद फिजिक्स में कभी देख सुना हो। तो दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन फॉक। तो रेप्लिकेशन फॉग कुछ नहीं होता, रेप्लिकेशन बबल को हाफ में पढ़ते हैं हम, ठीक है? यस ठीक है जी। अब देखो बहुत सिंपल है, छोटा सा स्टैंड यहाँ बन गया, छोटा सा प्राइमर यहाँ बन गया। अब आएगा कौन? डीएनए डीएनए पॉलीमरेज 3। हाँ, डीएनए पॉल 3। वो कुछ नहीं करता, वो बहुत सिंपल सी चीज कर रहा है, ध्यान से देखना। इसी से, इससे रिलेटेड अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ मैं, क्वेश्चन तुम सबके बहुत काम आएगा, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें ये नहीं बता रहा कौन चीज कहाँ मूव कर रही है। आरएनए पॉल 3 आया और उसने मूवमेंट करके पूरा नया स्ट्रैंड बना दिया। तो ये बन गए हमारे क्या, डॉटर स्ट्रैंड्स, ठीक है? तो ये मेरा डॉटर स्ट्रैंड है, ये तो बनाना था हमें इतनी देर से, हम कहानी क्यों पढ़ रहे थे, इसीलिए तो पढ़ रहे थे। और ये हमारा पेरेंट स्ट्रैंड है ना, बन गया, देखो दोनों बन गए। अब हमें ये समझना है कि प्लॉयडी क्या है, कौन कहाँ से काम मुक कर रहा है। तो यहां तक समझ आया सबको? देखो यहां से करते हैं, कहाँ गया? बीच में से कोई पेज डिलीट हुआ है, कोई ना छोड़ो। अब देखो इसे समझना, पेरेंट स्ट्रैंड जब हमारे पास था, मैं रेप्लिकेशन फॉर्क बना रही हूँ, है तो यानी उसकी भी प्लॉयडी थी, ये 3 प्राइम एंड होगा इसका, ये 5 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ऐसे पढ़ना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको सीधा लिखती हूँ सिंपली, ताकि तुम्हें भी समझ आए इजीली। तो दो पेरेंट स्ट्रैंड बना दिए मैंने, एक को मैं लिख देती हूँ 3 प्राइम एंड, इसको 5 प्राइम। तो ऑपोजिट में क्या लिखूं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है? हमेशा स्ट्रैंड ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के। अब देखो क्वेश्चन ये है कि जो प्राइमेज आया और उसने प्राइमर बनाया, वो लगा कहाँ पे?
पेरेंट्स स्टैंड की कौन सी पोल आईडी पे वो अटैच होता है। तो वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इसको, तो हमेशा याद रखना कि प्राइमर या प्राइमेज या फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 ये हमेशा एक ही पोलॉइडी पे अटैच होते हैं, विच इज 3 प्राइम एंड। तो पेरेंट स्ट्रैंड को, अब देखो अगर ये मेरा छोटा सा, ध्यान से देखना इसे पिक्चर को, दिख रहा है ग्रीन कलर का ये छोटा सा हंसता हुआ हमारा प्राइमेज है। तो प्राइमेज क्या करेगा, पेरेंट स्ट्रैंड को, ये पेरेंट स्ट्रैंड है ना, ध्यान से देखना सारे यहाँ पे, तो वो आएगा और पेरेंट स्ट्रैंड को रीड करेगा, ये ने आया और इसने रीड किया, कह रहा है ये तो 5 प्राइम एंड है, यहाँ नहीं जाना मुझे, ये देखो 3 प्राइम एंड नहीं आए, मैं तो यहाँ से अटैच होऊंगा। तो वो पेरेंट स्ट्रैंड को रीड करता है, ये बात समझ आई, वर्ड रीड, प्राइमेज ने कहाँ रीड करना है, 3 प्राइम एंड पे, तो हमेशा प्राइमेज आपको 3 प्राइम एंड पे अटैच हुआ मिलेगा। तो देखो पेरेंट स्ट्रैंड को रीड करा जाता है 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ, उल्टी तरफ वो मूव करेगा। अब देखो ये तो ठीक है, रीडिंग तो मैं समझ गई, प्लॉइडी यहाँ पर है, मेरे को बात बताओ ये नया स्ट्रैंड बन रहा है ना जो पेरेंट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है, सही बात है, नए स्ट्रैंड की, नए स्ट्रैंड में भी न्यूक्लियोटाइड लगे हैं, उनकी भी तो पोलैरिटी होगी ना, तो अगर इसकी पोलैरिटी 3 प्राइम है तो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ क्या पोलॉइडी लिखूं, 5 प्राइम एंड, और वो 3 प्राइम एंड की तरह मूव कर रहा है, और सारे सारे के सारे न्यू न्यूक्लियोटाइड ये 3 प्राइम पे आके लगेंगे, तो मैं कह सकती हूँ कि जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है, वर्ड पे ध्यान देना नीचे लिख रही हूँ, तो जो न्यू स्ट्रैंड क्या हो रहा है सिंथेसाइज, वो कौन सी डायरेक्शन की तरफ मूव हो रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और जो पेरेंट स्ट्रैंड था जिसको क्या किया गया रीड, कौन सी डायरेक्शन से रीड किया गया, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये नीट का कंसिस्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर का, समझ आया, ये लिखो प्लीज, अभी लिखो बेटा, माइक बंद करके लिख ले, लिखो लिखो ये लिखो, डन मैम। मम्मी ये सभी रात को भी लिखने किसी भी कॉपी पे लिख लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, मेन कॉपी पे लिख, बीच बीच में से लिखना पड़ेगा ऐसे तो, कोई बात नहीं, वहां पे नोट लिख ले, जब भी कुछ इम्पोर्टेंट है वहां लिख दिया कर नोट, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करके 2 लाइन ऐड कर ले, लेकिन इसे लिखा भी लास्ट पॉइंट है ना, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, अभी इसको इग्नोर करो, अभी इसमें कंफ्यूज जाओगे, अभी इसको इग्नोर करते हैं, बात से लिखनी है, तो ठीक है जी आगे देख लेते हैं। देखो अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज को मैंने डीएनए डिपेंडेंट क्यों कहा, क्योंकि आरएनए प्राइमेज रीड किसको कर रहा है, डीएनए को ना, तो इसलिए डीएनए कहते हैं। देखो इस नाम को समझना, जब मैं बोलू ना, अगर मैं बोलू आरएनए फॉर एग्जाम्पल प्राइमेज, तो आरएनए प्राइमेज एंजाइम है और वो किसको रीड कर रहा है, वो चीज हम आगे लिखते हैं, तो वो डीएनए को रीड कर रहा है, तो मैं बोलूंगी डीएनए पे डिपेंडेंट है। अगर मैं लिखती आरएनए डिपेंडेंट, तो वो किसको रीड कर रहा होता, आरएनए को, आरएनए को, हाँ, तो ये हमेशा आगे वो चीज लिखी होती है कि किस पे इस पूरा एंजाइम डिपेंडेंट है, ठीक है, सेकंड वाला एंजाइम होता है और स्टार्टिंग में लिखा होता है कि वो किसको रीड कर रहा है, समझ आई। जैसे अगर मैं बोल दूं फॉर एग्जाम्पल छोड़ो यार, मैं एग्जांपल देके कंफ्यूज कर दूंगी और रहने दो। चलो अब देखो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए प्राइमेज, ये ना नीट वाले पता क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, डीएनए डिपेंडेंट की जगह आरएनए डिपेंडेंट लिख देंगे। अब तुमको आरएनए प्राइमेज याद है, तुम इसको टिक कराओगे, तो ध्यान से पढ़ना इन वर्ड्स को, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इनसे। सो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए प्राइमेज कम एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड, तो बेटा देख लेना वो कौन सा स्ट्रैंड कह रहा है, पेरेंट स्ट्रैंड पे 3 प्राइम एंड पे आता है, न्यू स्ट्रैंड खुद 5 प्राइम का बन रहा है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। तो ये आया और इसने जाके सिंथेसिस स्टार्ट कर दी, ठीक है, अभी देखो थोड़ी देर में आपको यहाँ पे प्राइमर बने हुए दिखेंगे दोनों स्ट्रैंड पे, फिर दोनों स्ट्रैंड पे जब प्राइमर बन गए, देखो ये प्राइमर बन गया, उसके बाद कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज,
डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा और वो फाइनली सिंथेसिस कर देगा न्यू स्ट्रैंड की, ठीक है। अ स्मॉल सीक्वेंस ऑफ आरएनए बन गई जिसको हम प्राइमर सीक्वेंस कहते हैं। प्राइमर सीक्वेंस में थायमिन की जगह यूरेसिल होगा, पॉइंट मेंशन है। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे इसी स्ट्रक्चर को, डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा और वो प्राइमर के साथ अटैच होगा और सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा 5' से 3' एंड की तरफ। इसी लाइन को ऑपोजिट भी लिखा जा सकता है, ध्यान से सुनना, ये दोबारा बोल रही हूँ कि डीएनए पॉलीमरेज 3 आया और उसने नया स्ट्रैंड बनाया, न्यू स्ट्रैंड बनाया, कौन से तरफ? 5' से 3' की तरफ। और ये ऐसे भी लग सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 3 आया, वो प्राइमर से अटैच हुआ और उसने पेरेंट स्ट्रैंड को रीड किया। रीड कहाँ से किया? 3' to 5'। तो तुम्हें वर्ड याद रखना है, रीड के साथ जो भी पोलाइडी लिखे उससे ऑपोजिट लिखनी है, हमेशा यही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा ये, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसको इसको जरूर पढ़ना। नाउ देखो न्यू स्ट्रैंड दिख रहा है सबको बना हुआ? यस मैम, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारा पेरेंट स्ट्रैंड, कितना टाइम बचा? 11 मिनट्स, ठीक है। ये न्यू स्ट्रैंड है, ऑपोजिट भी है ना, ऑपोजिट में भी सेम चीज हो रही है, यो यो मैम, है ना। और ये मेरा पेरेंट स्ट्रैंड। अच्छा न्यू स्ट्रैंड के पास कुछ कुछ अजीब चीज है मैम, उनके पास थायमिन की जगह यूरेसिल है। हाँ ये प्राइमर की लोकेशन, ये तो अजीब है ना कि डीएनए में ये तो चाहिए नहीं होगी, तो मतलब ये फ्यूचर में हमने रिमूव करनी होगी, है ना। रिमूव तो हो गई है, ये रिमूव होगी। अब देखो क्या हुआ, बड़ी बड़ी ही अटपटी सी चीज होगी। देखिए अब इसको ऐसे समझते हैं कि ये रहा डीएनए, अरे यहाँ तक समझ आया कि खो गए? आ गया, ठीक है। बस एक चीज बताऊंगी फिर तुमको जाने दूंगी, ज्यादा नहीं करूंगी, ठीक है। ये ऐसा था डीएनए, बीच में तुमने रेप्लिकेशन बबल कहीं बना लिया, कायदे से तो रेप्लिकेशन बबल ही था ना, फोक तो हम समझने के लिए कर रहे थे, लेकिन डीएनए की ना कॉपी बनानी है बेटा। तो यहाँ पर तो मैंने बना लिया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, लेकिन अभी मुझे पूरा डीएनए भी तो रीड करना है ना। तो ये जो रेप्लिकेशन बबल होता है ना, ये मूव करता है थोड़ी देर में, यू विल सी, इसको ऐसा बनाती हूँ। थोड़ी देर में आप देखोगे कि रेप्लिकेशन बबल जहाँ पर पहले खुला हुआ था ये बंद हो गया, और एप्लीकेशन बबल अब आगे जाके खुल गया, यानी कि हेलिकेज सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन अब आगे वाली स्ट्रैंड में आगे की तरफ मूव कर गए, ठीक है। कुछ इस तरीके से होगा, समझ आई? अब एक प्रॉब्लम है, अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब रेप्लिकेशन बबल मूव कर जाता है, सारे एंजाइम मूव कर जाते हैं, तो थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो जाती है, उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो अब अपनी कॉपी खोलो, कॉपी भी खुद बनाओ एक बार, तुम बनाओ और तुम मुझे बताना। खोलो कॉपी, खोल ली? हम इसको और सिंपल करते हैं। तो कॉपी खोल के ये देखो कि अगर एप्लीकेशन फॉर्क बनाते हैं सिंपली, और मैं इसको सीधा बनाती हूँ, ठीक है। टोपो आइसोमेरेज़ का फंक्शन मैंने बताया नहीं है, मैं भी बताना भी नहीं चाहती, कंफ्यूज नहीं करना चाहती। क्या खत्म करता है? टेंशन। हाँ, सुपर कॉइलिंग को रिड्यूस करता है। बेटा अगर ये है मेरा 5' एंड और ये है मेरा 3' एंड, तो ये ऑपोजिट होगा 3' एंड एंड 5' एंड, सही बात है? यस मैम। यहाँ प्राइमर लग गया, यहाँ प्राइमर लग गया, उसी के साथ यहाँ पर एक न्यू स्ट्रैंड बन गया, यहाँ पर एक न्यू स्ट्रैंड बन गया। ये जो प्राइमर, ये जो पॉलीमरेज है, वो ऐसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना? यो मैम। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि रेप्लिकेशन बबल तो आगे मूव कर गया, अब रेप्लिकेशन बबल जो है वो यहाँ आ गया, इस डायरेक्शन में मूव कर गया रेप्लिकेशन बबल। हेलिकेज आया, उसने डीएनए को यहाँ से खोल दिया, तो रेप्लिकेशन बबल अब इस डायरेक्शन में मूव कर गया और पीछे वाला कॉइल होना स्टार्ट हो गया, ऐसी होता है। तो जब रेप्लिकेशन बबल आगे मुड़ गया ना, देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है वो तुम मुझे बताओगे? मुझे नहीं पता। रेप्लिकेशन बबल जो है वो इस डायरेक्शन में खुल रहे हैं, ठीक है, ये एंजाइम्स की मूवमेंट है। तो मुझे बताओ
प्रॉब्लम क्या है, अब डीएनए की आगे की सिंथेसिस में प्रॉब्लम क्या आ सकती है? मैम जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है उसमें एक और प्राइमर की जरूरत होगी फिर। क्यों? क्योंकि बता क्यों? क्योंकि वो वहां से कोइल हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड है, लेट्स से मैं से लिख देती हूँ, लेफ्ट है ये राइट है, मुझे बस ये ध्यान है कि तुमको समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर तुमने आधा स्कूल में पढ़ा और आधा यहाँ पढ़ा तो तुम मिक्स कर रहे हो। मैं बस ये जान रहा हूँ समझ में आया किसी को या नहीं। सिचुएशन ये है कि डीएनए ओपन हो रहा है लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड डीएनए ओपन हो रहा है ना। अब मुझे ये बता दो कि प्रॉब्लम क्या है न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस में, देख के बताओ, दिमाग लगाओ, सोचो। सोचो सोचो। नेक्स्ट एप्लीकेशन बबल बनने में प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम होगी क्या ये बता। देख मैं ये कहती हूँ एप्लीकेशन बबल भी बन गया, वो भी बन गया आराम से, अब बता आप क्या प्रॉब्लम है। हाँ बोल बेटा बोल बोल। मैम जो 3 प्राइम टू जो 5 प्राइम है वो राइट साइड में जा रहा है। यस सैनम तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा? मैम मनीषा। मनीषा वेरी गुड, बोल सही बोली। ये देखो ये जो यहाँ पर लगा हुआ है कौन पॉलीमरेज, वो किस डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रहा है, देख लेफ्ट से राइट नहीं जा रहा, इस वाली डायरेक्शन में, इस वाले में। ये मैम तो अगर ये बात बता डीएनए यहाँ पर खुल रहा है, इसको इस ये जो दिख रहे हैं ना सीक्वेंसेस, इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड बनाने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन पॉलीमरेज तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर वाले का, ठीक है वो इसी डायरेक्शन में आ रहा है तो वो तो नॉर्मली बना लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका पॉलीमरेज तो राइट हैंड साइड को जा रहा है ना, तो ये कैसे बनाएगा, यहाँ दिक्कत होगी ना। ये बात समझ आई प्रॉब्लम कहाँ ही है? तुम ऐसे समझो कि तुम सड़क पे चल रहे हो, ठीक है ये रोड है, ये बात ध्यान से समझो क्योंकि ये जरूरी है। सड़क पे चल रहे हो, ये तुम्हारा रोड है। ओहो चलते हुए 3D में इमेज बनाना तो बहुत ही कठिन काम हो गया, चलो ऐसे बना देते हैं। और चलते चलते तुम क्या कर रहे हो, रास्ते में कच्ची सड़क है ये, तुम सीट फेंकते हुए जा रहे हो, ठीक है जहां जहां सीट फेंकोगे वहां वहां पे प्लांट उगेंगे, इस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो राइट। तो तुम्हारी सड़क आगे खुलती जा रही है और तुम सीड प्लांट करते जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, क्लियर है। लेकिन मान लो आगे जाके बेटा रास्ता बंद हो गया तो आगे तो नहीं जा पाएगा राइट, तो तेरे पास क्या ऑप्शन है? वापिस आना। वापिस आना, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 को वापिस आना नहीं आता, ठीक है। आगे रास्ता बंद हो जाता है क्योंकि आगे से डीएनए क्लोज हो गया, डीएनए खुला पीछे की तरफ, वो टर्न नहीं कर सकता वापस, उसकी दिक्कत ये है। एक स्ट्रैंड तो सीधा ही जा रहा है तो एक बच्चा तो सीधा निकल लिया, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है ना वो पीछे टर्न नहीं कर सकता, आगे रास्ता बंद हो गया, वो फंस गया, उसकी प्रॉब्लम ये है कि अब वो क्या करे। तो मुझे बता क्या पॉसिबिलिटी होती है। देख जो बच्चे इस तरह डायरेक्शन में जा रहा था उसके लिए तो ठीक है, वो तो यह सीट फेंकता गया, ये वन स्ट्रैंड है। जो दूसरा स्ट्रैंड है उसके लिए रास्ता बंद हो गया, तो अब ये एंजाइम कुछ कर पाएगा, ये बच्चा आगे जा पाएगा? No, ma'am. तो पॉसिबिलिटी यही है कि कोई और बच्चा आए और वो आगे की तरफ जाए, ठीक है ना, कोई और बच्चा ही लाना पड़ेगा ना, सिमिलर कंडीशन होती है यहाँ पर। और कोई ऑप्शन नहीं है डीएनए के पास क्योंकि इसका एंजाइम इस डायरेक्शन में जा रहा है राइट हैंड साइड की तरफ। तो अब क्या होगा, दोबारा से पूरा प्रोसेस होगा। सबसे पहले आएगा कौन सा एंजाइम? प्राइमेज, प्राइमर बनाएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज 3 और फिर वो आके पूरा नया स्ट्रैंड बनाएगा, लिखा? Yes, तो ऐसे दोनों स्ट्रैंड के बीच में ना लेकिन थोड़ा गैप रह जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे गैप दिखेंगे, इसी तरीके से ये डीएनए खुलता चला जाएगा, ऊपर वाला स्ट्रैंड तो कॉन्टिन्यूसली बन रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही, वो तो नॉर्मली बनता चला जाएगा। लेकिन नीचे वाले स्ट्रैंड में आपको बार बार दिखाई देंगे ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जिनके बीच में गैप है। तो जो गैप वाले फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, इन फ्रेगमेंट को जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम था ओकाजाकी, इसलिए इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बुलाते हैं,
ओकाजाकी फ्रेगमेंट सुना है वर्ड? तो इनको बुलाते हैं हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है वो कॉन्टिन्यूस है ना, इसलिए हम उसको बुलाते हैं कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। नीचे वाला डिसकॉन्टिन्यूस है ना, तो इसको हम बुलाते हैं डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। समझ आया? क्वेश्चन पता क्या आता है? क्वेश्चन आता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आपको कौन से स्ट्रैंड में मिलते हैं, कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस? Exactly. इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो आई होप थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, है ना? पूरा समझना थोड़ा मुश्किल है। अब ये छोटे छोटे डब्बे तो बन गए, अब ये फ्रेगमेंट्स को जोड़ना भी तो पड़ेगा ना। तो जोड़ने के लिए जब कोई चीज टूट जाती है उसको जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं उसके ऊपर? ग्लू लगाते हैं। तो इसके ऊपर हम ग्लू लगाएंगे, लेकिन ग्लू लगाने से पहले हमें रियलाइज हुआ कि यहाँ पर तो प्राइमर लगे हैं आरएनए वाले, तो सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी? प्राइमर को रिमूव करने के लिए कौन आता है? आरएनए, ओ सॉरी, कौन सा पॉलीमरेज आता है? एक और पॉलीमरेज होता था यहाँ, डीएनए पॉलीमरेज वन। हाँ, ये आएगा यूरेसिल को रिमूव करेगा और उसकी जगह क्या लगा देगा? थायमिन। ठीक है, तो मैं वेरी गुड, तो मैं इस फ्रेगमेंट को ऐसे बना दू तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रीन बना देती हूँ। अब इसके बीच में गैप भरने के लिए ग्लू लगाने आएगा, और ग्लू लगाने के लिए कौन आता है? लाइगेज। तो लाइगेज आएगा और इन दोनों के बीच में ग्लू लगेगा, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा। अब तुम्हें ये भी बिल्कुल कॉन्टिन्यूस सा दिखाई देगा, जैसे ऊपर वाला दिख रहा है कुछ इस तरीके से। तो दो दो ऑटर स्टैंड बन गए। तो ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होती है, समझ आई? अभी हमारी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन इतना तुम पढ़ के आना कि मैं तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछता हूँ, ठीक है? सब कुछ मैं भेज दूँ अभी होमवर्क जो किया था? हाँ भेज दो। यस मैम। चलो, किसी को कोई डाउट तो बताओ। नो मैम। नो मैम।